हेलो दोस्तों, नमस्ते, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल फिट यू हिट यू। सो गाइस, मैं आज एक टॉपिक लाया हूँ दोस्तों आपके लिए, ऐसा जो फूड हम डेली खाते हैं बट हमें नहीं पता उसके बेनिफिट क्या है या हमें कब खाना चाहिए। जो मेरा फर्स्ट है वो है ओट्स। ओट्स में हमें काफ़ी अच्छे अमाउंट में फाइबर एंड एनर्जी मिलती है जो हमें डेली लाइफ में चाहिए होती है, हमें बॉडी को नीड होती है। फाइबर भी अपनी हमें बॉडी को काफ़ी नीड होती है, एनर्जी की भी नीड होती है जो हमें चाहिए होता है, या तो बॉडी बिल्डर्स हो या जिनको फैट लूज करना हो या उनकी डेली लाइफ हो जो नॉर्मल हो, ऑफिस वर्किंग, उनको चाहिए होता है ये चीज़। उसके बाद इसके बेनिफिट क्या है, ओट्स खाने के बेनिफिट क्या है। ओट्स से हमें फैट कंट्रोल में हेल्प करता है, हंगर कंट्रोल करता है। अगर हमें भूख लगती है ज़्यादा या हमारा टाइम नहीं मिलता भूख खाने का, तो ये आपकी हेल्प करता है उस चीज़ में कि आपकी भूख कंट्रोल कर सके। उसके बाद कोलेस्ट्रॉल लेवल ही आपको काफ़ी अच्छे कंट्रोल करता है कोलेस्ट्रॉल लेवल। उसके बाद यू नो आप व्हाट, शायद आपको पता होगा कि आपका ब्लड प्रेशर काफी हद तक कंट्रोल करता है ओट्स खाने से। तो इसके बेस्ट टाइम क्या है ईट का, जो हमें खाना चाहिए बेस्ट टाइम, जो मुझे लगता है डिनर में तो आपको ये बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। अगर आपका कुछ वेट लूज है या कुछ भी है तो इस डिनर में नहीं खाना चाहिए अगर वेट लूज करते हो। सो बेस्ट टाइम जो है वो है ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट क्यों है, अब ब्रेकफास्ट से लेके लंच तक काफ़ी गैप हो जाता है, और कभी कभी हम काम में बिजी हो जाते हैं तो लंच थोड़ा आगे चले जाता है, 3 से 4 5 ऐसे चले जाता है। तो जो ओट्स में कुछ ऐसे फाइबर होते हैं जो पानी के कांटेक्ट में आके एक लाइक जेल बन जाता है, वो जेल के टाइप का हो जाता है। जब हम उसे खाते हैं तो हमारी टमी ना फ्लफी फुली फुली से लगती है और ये भूख कंट्रोल करने में हेल्प करती है। इसके बाद सेकेंड कट, कर्ड इज अ गुड सोर्स ऑफ गुड बैक्टीरिया एंड गुड फॉर डाइजेशन एंड इज ऑल्सो गुड फॉर बोन्स एंड टीथ। अब बेस्ट है बेनिफिट क्या है कर्ड्स के, जैसे काफियों को क्या है मिल्क पसंद है, उसमें कुछ ब्रांड आप हॉर्लिक्स ऐड कर लो, बूस्ट ऐड कर लो, बट उनको दूध पसंद नहीं होता। बट कर्ड, अगर आप दूध की जगह कर्ड लेते हो तो दूध से ज्यादा, मिल्क से ज्यादा दही में आपको न्यूट्रिशन मिलेगा, ज्यादा उसमें दूध के मुकाबले आपको दही में ज्यादा न्यूट्रिशन मिलेगा। अब बेस्ट टाइम टू ईट क्या है, इसको हमें किस टाइम खाना चाहिए, लंच में। आप ये इसे लंच के टाइम पे खाते हो तो इसे आपको विदाउट शुगर लेना चाहिए, दही में शुगर ऐड मत करो। और यही आप डिनर में लेते हो, अगर आप इसे डिनर में लेते हो तो इसमें कुछ शुगर एंड ब्लैक पेपर ऐड कर सकते हो, जिससे ये आपके डाइजेशन में हेल्प करती है। तो ये थे दही के। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है स्प्राउट्स। विटामिन स्प्राउट्स काफी अच्छा सोर्स है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी एंड विटामिन ई के लिए। स्प्राउट्स हमें अपने डेली मील में ऐड करना चाहिए, हमें डेली स्प्राउट्स खाना चाहिए। स्प्राउट्स काफी अच्छे अच्छे बेनिफिट है। स्प्राउट्स में हम किडनी बी, मटर, काबुली चने एंड मूंग दाल ऐड कर सकते हैं। मूंग दाल सबसे बेस्ट है विटामिन्स के लिए, जो मैंने आपको विटामिन्स बताए। काफी वो क्या है कि स्प्राउट्स या बोरिंग है, टेस्टलेस है, टेस्ट ही नहीं आता, कुछ मजा नहीं आता, तो आप इसको टेस्टी बनाने के लिए टमाटो, कुकुम्बर एंड लेमन ऐड कर सकते हो, जिससे ये हेल्दी एंड टेस्टी बना सकते हो आप इसको। अब इसके बेनिफिट क्या है, इसके बेनिफिट भी काफी अच्छे है। ये आपकी जो ब्लड प्रेशर है, ये ब्लड को बूस्ट करता है, ब्लड प्रेशर को बूस्ट करता है, इम्यूनिटी को बिल्ड करता है, ये आपके जो आपकी इम्यूनिटी है उसको बिल्ड करता है, और ये आपके एसिडिटी में काफी हेल्पफुल है, ये आपके एसिडिटी में काफी हेल्प करता है। अब इसका जो है फैट लूज में आपको हेल्प करती है, ये काफी अच्छा, ये आपके फैट, अगर आप इसे खाते हो तो ये फैट लूज में आपको हेल्प करती है, फैट लूज वेट लूज हो तो इसमें आपको हेल्प करती है। अब बेस्ट टाइम क्या है इसको खाने का, बेस्ट टाइम जो है वो है मॉर्निंग। मॉर्निंग इसलिए क्योंकि स्प्राउट से एक न्यूट्रिशन की छोटी सी बॉल है, मान लो ये बड़ी सी बॉल है, ये न्यूट्रिशन से बनी हुई है, तो स्प्राउट इसकी एक छोटी सी बॉल है जो हमें काफी अच्छा न्यूट्रिशन देती है, जो हमें मॉर्निंग मील में लेना चाहिए। सो नेक्स्ट जो है वो है दलिया। दलिया में हमें काफी विटामिन एंड प्रोटीन मिलता है जो हमारी बॉडी को जिसकी नीड होती है, एंड इसके अलावा लो कैलोरीज एंड फाइबर काफी अच्छे अमाउंट में दलिया में होता है।
इसके अलावा जो हमारी बॉडी को पोषक तत्व की नीड होती है वो हमें दलिया से मिलता है। अब इसके बेनिफिट क्या है, दलिया से खाने के बेनिफिट क्या है? आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है, इजली डाइजेस्ट होने में ये डाइजेस्ट हो जाता है, हमारी बॉडी के लिए अच्छा है। इसके बाद ये वेट लूज में काफी अच्छा हेल्प है। काफी किड्स को क्या है, आप ये दे सकते हो, किड्स को डेली नहीं खा सकते, वो डेली नहीं, उनको पसंद नहीं आएगा दलिया, तो आप उनको वीक में 1 या 2 दिन दे सकते हो, जिससे जो उनकी बॉडी को नीड होती है पोषक तत्व की, प्रोटीन्स की, वो इससे उनको मिलेगा। अब इसके बाद क्या है, ये पेशेंट डायबिटीज पेशेंट के लिए काफी हेल्पफुल है, डायबिटीज पेशेंट के लिए काफी हेल्पफुल है। इसके बाद बेस्ट टाइम ईट क्या है, वैसे तो आप दलिया तीनों टाइम ले सकते हो, बट मॉर्निंग टाइम है वो बेस्ट है। मॉर्निंग टाइम बेस्ट क्यों है, क्योंकि जो हमारी बॉडी को एलिमेंट्स की नीड होती है, हमारी बॉडी को जो एलिमेंट्स चाहिए वो हमें इस दलिया से मिल गए, जो हमें फुल डे एलिमेंट्स की नीड होती है वो हेल्प करती है। सो दलिया ये आपका फूड है। इसके बाद जो आता है वो फूड है सैलेड। सैलेड वो वेजिटेबल जो हम कच्चा खा सकते हैं, लाइक कुकुम्बा, मूली, टमाटो, ये हम कच्चा खा सकते हैं, इसे हम सैलेड में ऐड कर सकते हैं। और कुछ ऐसे फ्रूट्स, कुछ सभी फ्रूट्स नहीं है जो हम सैलेड में ऐड कर सकते हैं। ये काफी अच्छा सोर्स है फाइबर का, इसमें हमें काफी अच्छे अमाउंट में फाइबर मिलता है जो हमारी बॉडी को नीड होती है, जिनकी लो कैलेस्ट्रॉल होता है, इसमें कैलेस्ट्रॉल होता नहीं है, लो कैलोरीज, जो हम अपनी डेली डाइट में ऐड कर सकते हैं, ये हेल्दी डाइट है जो हम ऐड कर सकते हैं। अब इसके बेनिफिट क्या है, गुड सोर्स ऑफ फाइबर, फर्स्ट बेनिफिट जो है काफी अच्छा सोर्स है ये फाइबर का, वेट कंट्रोल करता है, ये काफी अच्छी तरह वेट कंट्रोल करता है। अगर हमें वेट गेन किया, हम 70 kg वेट है, मुझे वेट इस कंट्रोल करना है इस लेवल पे, तो ये आपका हेल्प करता है। वेट लूज करना है, मैंने वेट अपना लूज किया है 50 है, तो ये उस टाइम भी हेल्प करता है, गेनिंग करने के बाद भी हेल्प करेगा, लूज के बाद भी हेल्प करता है। उसके बाद बोन्स स्ट्रॉन्ग करता है, आपकी जो बोन्स है उसको बिल्ड करता है, स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करती है। इसके बाद जो शायद ही आपको पता होगा, ये हार्ट के लिए काफी अच्छा है, आपके दिल के लिए सैलेड काफी अच्छा है। बेस्ट टाइम ईट का क्या है, हमें कब खाना चाहिए, अगर आपको वेट गेन करना है या आपको अपनी कैपेसिटी से, अब अपनी लिमिट से ज्यादा खाना है, या आप 2 चपाती खाते हो, आपको 4 चपाती खानी है, तो आप इसे खाने से 10-15 मिनट्स पहले ले सकते हो। तो ये क्या है, जो आपकी इसमें फाइबर है वो आपकी लिमिट्स बढ़ाता है, खाने में हेल्प करता है। और जैसे आपको वेट कंट्रोल करना है या ज्यादा नहीं खाना, तो आप इसे खाने के टाइम ऐड कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। इसका एक और बेनिफिट है, खाने के साथ खाने में इसे, अगर हम खाना खाते हैं उसके साथ ऐड करते हैं, तो इसका यह बेनिफिट है, जो हम फूड ले उसमें जो हाई कैलोरीज की जो फूड है उसको ये कम करता है, उसकी जो कैलोरीज है उसको कम करता है। सो गाइज, ये मैंने आज वो 5 फूड बताए, होपफुली आपको पसंद आएगा, एंड लाइक शेयर आप करते हो, थैंक यू सो मच। तो ये फूड है, नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी लेके आऊंगा आपके लिए, काफी अच्छा बेनिफिट है। एक्सरसाइज की सीरीज लेके आने वाला हूँ जिसमें आपको एक्सरसाइज बताऊँ। सो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए, ऐसे ही साथ में रहा, थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद, बाय बाय।